अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल से आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, जो हमारे पास हमने पिछले एक्सरसाइज चैप्टर मुकम्मल कर लिया है, अब हमारे इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन विच हूज पीरियड इज 0.02 सेकेंड। आपको पहले ये बात मैंने बताई हुई है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले गिवन डाटा, जो स्टेटमेंट में चीज़ दी गई हो उसे हम गिवन डाटा में देते हैं। तो गिवन डाटा में हम देखेंगे यहाँ पे कि टाइम पीरियड इसका दिया गया, टाइम पीरियड है हमारे पास, टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है। ठीक है, और इसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जो फाइंड चीज करनी है वो हमने रखनी है टू फाइंड में फ्रीक्वेंसी एफ, ये हमने फाइंड करनी है। अब इसके बाद सॉल्यूशन हमारा शुरू हो जाएगा। वी नो दैट हमने टाइम पीरियड में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी 1/T यानी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। अब इसमें वैल्यू पुट करें, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो पुट करें। पुटिंग वैल्यूज वी गेट फ्रीक्वेंसी, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी से आएगा 1/ टाइम की जगह 0.02। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/0.02, पॉइंट को रिमूव किया ऊपर इसके 1-2 दो डिजिट्स 100। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 1 2 2 50 100, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है इसकी 50। तो इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ये हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ हमारे पास दी गई है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको हम गिवन डेटा में रखेंगे। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 84 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ द टाइम टेकन टू द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट अदर, यानी व्हाट विल बी टाइम पीरियड इफ इट्स टेकन टू द मून, यानी टाइम पीरियड चांद पे क्या होगा मून पे जब ऊपर जाएंगे, लेकिन जबकि वहां पे इसकी जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे चांद पे जो जी की वैल्यू है वो 1/6 है। हमने यहाँ पे इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। हमारे पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून दिया गया है वो है 1/6। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जीएम इज इक्वल टू 1/6, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमने फाइंड इसका करना है टाइम पीरियड ऑन मून, हमने ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई स्केयर रूट ऑफ एल बाय जी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज वी गेट टी इज इक्वल टू 2 × π की वैल्यू 3.14 × √L,
एल हमारे पास कितनी है 84 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.84 आ जाएगा, 100 में डिवाइड करने से हमारे पास 84 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एल हमारे पास 84, 0.84 बाय जी की वैल्यू 1/6 है तो 1/6, यानी जी की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, 1/6 को डिवाइड कर लें तो ये आ जाता है हमारे पास जी की वैल्यू 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसको आप 1/6 की वैल्यू जब 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें जी की जगह ये वैल्यू रख लें तो ये आता 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.84 और 1.64, तो ये आ जाता है हमारे पास डिवाइड करने से इसका आंसर जी 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको बात पता चल गई है कि हमारे पास हमने इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना था टी इज इक्वल टू 2π√L/g। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पाई की वैल्यू को हमें पता है 2 √3.14 √0.84 बाय 1. इसको डिवाइड करने से 1/6 को जब 9 × 9 / 0.8 cos 6 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 1.64 आया। वह 0.84 को 1.64 के साथ डिवाइड करने के बाद उसको आपने 6.28 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4.5 सेकेंड आ गया। तो ये हमने इसका टाइम पीरियड इसका फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है द वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 है। वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ हमारे पास है, वेवलेंथ वेवलेंथ को हम लैम्डा से नोट करते हैं, वेवलेंथ वो हमारे पास गिवन है वो है 1.7 × 10⁻², 1.7 × 10⁻², मीटर। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, हमने फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करनी है जबकि वेलोसिटी हमारे पास दी गई है, वेवलेंथ हमारे पास दी गई थी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻², मीटर। फ्रीक्वेंसी अब हमने इसकी फाइंड करनी है जबकि वेलोसिटी इसकी दी गई है, वेलोसिटी हमारे पास है 334, वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी को v से नोट करते हैं इसकी 334.4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने इसमें फ्रीक्वेंसी करनी है, फ्रीक्वेंसी एफ सॉल्यूशन, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने फ्रीक्वेंसी इसमें पॉइंट करनी है, फ्रीक्वेंसी एफ इधर जाने लैम्डा इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, v बाय लैम्डा आ जाएगा। वैल्यू पुट करें इसमें, पुटिंग वैल्यूज इसको नाम दे लें, इसको नंबर वन का नाम दे लें, इसको नंबर सेकंड का, पुटिंग वैल्यूज इन सेकंड, इन सेकंड वी गेट हमारे पास वेलोसिटी जो है वो है 334, 334.4 over लैम्डा हमारे पास है 1.7 × 10⁻², इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है 334.4 को डिवाइड करें 1.7 तो हमारे पास जो आंसर आएगा
वो है 1.96 डिवाइड करने से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, A source is produced 15 waves in 3 seconds. The distance between a crust and trough is 10 cm. Find its frequency, wavelength and velocity of the wave. हमने यहाँ पे तीन चीजें find करनी है, frequency, wavelength और velocity. सबसे पहले यहाँ पे जो given है हमारे पास number of waves दी गई हैं 15 waves. तो given data हमारे पास है 15। उसके बाद टाइम हमारे पास दिया गया वो है 3 सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड है। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रॉफ इज लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रॉफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमने हमारे पास सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करनी है। वी नो दैट सॉल्यूशन हमने इसमें तीन चीजें फाइंड करनी थी, सॉल्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, उसके बाद वेवलेंथ लैम्डा और वेलोसिटी वी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एन बाय टी होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू यूनिट टाइम। एफ इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें इसमें, इसको नंबर वन का नाम दे दें। पुटिंग वैल्यूज इन वन, एफ इज इक्वल टू एन बाय टी, तो नंबर ऑफ वेव हमारे पास 15 है और टाइम हमारे पास 3 है। 15, 3 by 3, 3 by 5 by 15, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है 5 हर्ट्ज। अब हमने वेवलेंथ फाइंड करना है। इसके बाद वेवलेंथ हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रॉफ है वो है लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रॉफ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यानी क्रस्ट दोनों के दरमियान है इसलिए लैम्डा बाय 2 लिखेंगे। हाफ हाफ है तो 10 सेंटीमीटर है, लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमने ये फाइंड करना है इसमें। तो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हम इस वेवलेंथ फाइंड करने लगे हैं। टू फाइंड वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो लैम्डा हमें फाइंड करना है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है। नेक्स्ट अब हमने इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, लैम्डा भी आ गया, अब वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे थी हमने जो चीज फाइंड करनी है वो वेलोसिटी है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। एफ हमारे पास दिया गया है 5 मल्टीप्लाई लैम्डा हमारे पास 20 है, तो v इज इक्वल टू 20 by 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। देखें इसने जरा, सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी, उसके बाद वेवलेंथ, वेलोसिटी, ठीक है।
ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर दी गई थी 15, टाइम दिया गया था, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल थी n by t, यानी नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन टाइम। तो हमारे पास आ गई है 15/3, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 5 हर्ट्ज। अब हमने वेवलेंथ इसका फाइंड करना है, वेवलेंथ हमें पता है कितनी थी, λ/2 = 10 cm, λ/2। अब ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा λ = 20 cm। उसके बाद हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, v = f λ, तो v = f λ, वैल्यू पुट करें 5 × 20, तो आ जाएगा हमारे पास 100 cm/s। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। A boat and anchor is dropped by waves whose thrust are 100 meter apart and whose velocity is 25 meter per second. How often do the thrust reach the boat? हमारे पास इसमें लैम्डा दिया गया है, वेवलेंथ दी गई है, वेलोसिटी दी गई है। अब हमने इसमें फाइंड टाइम करना है कितने वक्त में वो कश्ती तक, बोट तक पहुंचेगा। तो हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, गिवन डाटा λ = 100 meter, वेलोसिटी हमारे पास है 25 meter per second, वेलोसिटी 25 meter per second। अब हमने इसमें टाइम फाइंड करना है, फाइंड टाइम, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। हमें पता है हमें टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी = 1/T, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, तो टू फाइंड फ्रीक्वेंसी v = f λ, f = v/λ हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, v हमारे पास है 25, लैम्डा हमारे पास है 100, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 0.25 हर्ट्ज। इसको डिवाइड करने से 1/4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.04 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना, टाइम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है 1/T के, ठीक है। तो पॉइंट टाइम पीरियड f = 1/T, अब वैल्यूज में पुट करें, पुटिंग वैल्यूज वी गेट फ्रीक्वेंसी f = टाइम पीरियड हमारे पास है, हमने फाइंड करना टाइम पीरियड, ये ऐसी आ जाएगा t = 1/f हो जाएगा। तो t = 1/f की जगह फ्रीक्वेंसी रखें 0.04, इसको मूव किया तो ऊपर 100 आ गया, t = 100/4, t = 52/100, 25 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। हमने इसपे टाइम पीरियड फाइंड करना था, हमारे पास लैम्डा दिया गया था, वेलोसिटी हमारे पास गिवन थी 25 meter per second, ठीक है। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी v = f λ, हम जानते हैं कि हमें पता है कि वेलोसिटी f λ की इक्वल होती है, यहां से फ्रीक्वेंसी आसानी से हम निकाल सकते हैं, f = v/λ, हम वैल्यू पुट करें इसमें, तो हमारे पास 125/100, तो हमारे पास डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 0.04 हर्ट्ज,
f इज इक्वल 1 / t फ्रीक्वेंसी तो रेसिप्रोकल है t इज इक्वल 1 / f हो जाएगा। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, t इज इक्वल वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 100 / 0.04 तो हमारे पास आंसर आएगा t इज इक्वल टू 25 सेकंड। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं।